नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाने में आपके एक भी रुपए की कोई फालतू वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा आपके होगी बहुत सारे समय की बचत। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो आलू और प्याज को स्टोर करने को लेकर है। जब भी हम आलू और प्याज को साथ में स्टोर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ढेर सारा आलू प्याज एक साथ लेकर आ जाते हैं, और टोकरी में स्टोर करने के बाद भी होता यह है कि आलू और प्याज हमारे पास एक्स्ट्रा बचे होते हैं तो हम उसे कभी किसी बास्केट में डालकर रख देते हैं या फिर फ्रिज में ही रख देते हैं। फ्रिज में रखना बहुत ही डेंजरस होता है। मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर आपको टिप दी है। तो इसके लिए जब भी आपके पास लगे कि ज़्यादा जगह नहीं है, हमारी बास्केट भर गई है, हमें आलू और प्याज को और ज़्यादा स्टोर करना है, तो आपको एक स्पेस सेविंग आइडिया देती हूँ। हम ले लेंगे कोई सा भी पॉलीथीन, इस तरह का जो सब्जी वाला पॉलीथीन होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी बड़ा पॉलीथीन आप ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से नाइफ से या फिर सीजर से हल्के हल्के से कट लगा दीजिए या फिर होल कर दीजिए। इससे होगा ये कि ये हमारा जो पॉलीथीन होगा वे वेंटिलेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो है आलू प्याज जब हम स्टोर करेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने जो होल किए हैं उसकी वजह से आलू और प्याज में थोड़ी थोड़ी बाहरी हवा लगती रहेगी और इसको स्टोर करना आसान हो जाएगा। अब इसको आप अपने किचन में कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं। वैसे तो आलू प्याज हम साथ में स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर आपको इमरजेंसी में स्टोर करना है तो इस तरह से पॉलीथीन में कट लगाकर सिंगल आलू या फिर सिंगल प्याज को भी आप स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सरसों का तेल जो हम मार्केट से लाते हैं उसकी हम पहचान कैसे करें कि उसमें कोई मिलावट है या नहीं। सरसों के तेल को आप एक कटोरी में ले लीजिए और उसके बाद से चलेंगे अपने फ्रीजर के पास। फ्रिज हर घर में होता है, फ्रीजर भी उसमें अटैच होता है। फ्रीजर में आप इस कटोरी को 10 मिनट के लिए रखिए। 10 मिनट के बाद हम इस कटोरी को बाहर निकालेंगे। 10 मिनट के बाद दोस्तों, अगर आपको तेल के ऊपर कोई वाइट लेयर दिखती है, तेल हल्का सा जमा हुआ दिखता है, तो समझ जाइए कि तेल में मिलावट है। लेकिन अगर आपको तेल बिल्कुल इस तरह से ट्रांसपेरेंट एकदम क्लियर दिखता है, मतलब तेल को आप बहुत ही इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई वाइट लेयर होते ही थोड़ा सजग हो जाइए, इस तेल में की गई है रिफाइंड की मिलावट। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है छोटे ग्लासेस में दूध को लेकर। कभी कभी हम पतले ग्लासेस में बच्चों को दूध या चाय दे देते हैं और बच्चे उसमें बिस्किट को डिप करके नहीं खा पाते हैं। तो जब भी बच्चे इस तरह के बिस्किट को डिप करके खाना चाहते हैं तो या तो बिस्किट डूब जाता है या फिर उनका हाथ डूब जाता है। तो जब बच्चों को आप इस तरह के क्रीम बिस्किट वगैरह दे रहे हैं डिप करके खाने के लिए, तो उनको एक छोटा सा आइडिया बता दीजिए कि उनको खाना कैसे है। इसके लिए आप बिस्किट को फोक में लगा दीजिए और फिर उनको बोलिए कि आप इस तरीके से बिस्किट को दूध में या फिर चाय में डिप करके बहुत इजी तरीके से खा सकते हैं। बच्चों का हाथ भी खराब नहीं होगा और बच्चों को मज़ा भी आएगा। इस तरह से नए नए छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज से हम बच्चों को हैप्पी कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, सर्दियों के दिन हैं और इस टाइम पर हम गर्म पानी पीना खूब पसंद करते हैं। जब हम स्टील के ग्लास में गर्म पानी को लेते हैं तो आपने देखा है गर्म पानी डालने के बाद हमारा ग्लास भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हर बार ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम कप में लेकर पानी को पिए, और स्टील के ग्लास में पानी डालते ही ग्लास चारों तरफ से इतना गर्म होता है कि उसको हाथों से पकड़ना आसान नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि ग्लास थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ एक बहुत ही क्रिएटिव सा आइडिया बताने वाली हूँ कि ग्लास को कैसे इजी तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास घर में इस तरह के रबड़ होते हैं, जो रबड़ बैंड हम अपने बालों पर लगाते हैं मोटा वाला, यही वो रबड़ बैंड है। रबड़ बैंड को लगाकर ग्लास पर इस तरीके से हल्का सा फैला दीजिए। अब हमारा ग्लास जो है इस रबड़ बैंड से पूरी तरह से कवर हो जाएगा और ये जो रबड़ बैंड है हमारे ग्लास कवर का काम करेगा। बस आप इसको आराम से होल्ड करिए, ग्लास चाहे कितना भी गर्म हो आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से गर्म पानी या फिर ग्लास में अगर आप चाय पीते हैं या फिर दूध पीते हैं तो उसके मजे ले सकते हैं। ये रबड़ बैंड ग्लास के कवर का काम करेगा। इस तरह से एक रबड़ बैंड को आप इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों दिए को लेकर। दिवाली गई हुए 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन हमने दिए फेंके नहीं हैं। तो दिए को लेकर एक और बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपके पास ये दिए हों तो इन दियों को क्या करना है। दिए को आप ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये बड़ा दिया था पुराना, ये जला हुआ है, मतलब इसमें हमने दिया जलाया हुआ है। तो इस दिए को यूज़ हम एक और तरीके से करेंगे। इसको आप ले लीजिए किसी कपड़े में, तो कपड़ा आप कोई सा भी पुराना ले लीजिए और कपड़े में इस तरह से इसको रैप कर दीजिए। उसके बाद से ले लीजिए बेलन और बेलन से दिए को हल्के हल्के से मारिए, यानी कि दिए को हमें क्रश करना है।
दिए को हम क्रश क्यों कर रहे हैं ये आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले दिए को हम अच्छे से इस तरह से तोड़ देंगे जिससे दिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो कपड़े में इसलिए रखा है मैंने जिससे ये पूरी स्लैब को खराब ना करे, साथ ही इधर उधर बिखरे नहीं। अब कपड़े में जो है हमारे दिए का पाउडर बनकर तैयार हो गया है, देखिए कुछ इस तरीके से। इतना ही हमें करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ले लेती हूँ एक कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं। कपड़े को आप अलग रख दीजिए और ये जो हमारा दिए का क्रश है इसको लेकर चलते हैं अपने गार्डन में। हमारे आपके घर में हर जगह कहीं ना कहीं एक आध प्लांट तो हमने लगा कर ही रखा होता है। उस प्लांट में आप दिए का ये जो क्रश है ये डाल दीजिए। ये एक तो सॉयल का काम करेगा, साथ ही मिट्टी पे जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में गड्ढे बन जाते हैं तो ये गड्ढों को होने से रोकता है। इसके अलावा जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तुलसा जी के पौधे में डाला है, तो इस तरीके से ये मिट्टी को भुरभुरी भी रखता है, जब हम पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा दबता नहीं है। तो बहुत सारे तरीकों से ये हमारे किसी भी प्लांट को हेल्प करता है। तो एक गमले में एक या दो दिया सफिशिएंट है। ये थोड़ा बड़ा टब था जिसमें मैंने तुलसा जी के पौधे लगाए हैं तो मैंने एक बड़ा दिया डाला है। आप एक दो छोटे दिए भी छोटे गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दिए का रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है धनिया की पत्तियों को लेकर या फिर किसी भी हरी पत्ती को लेकर, या फिर अगर आप हरे प्याज को धुल रहे हैं उसको स्टोर करना चाहते हैं तो इस टिप से आप धनिया पत्ती, हरा प्याज कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास धनिया पत्ती थी, मैंने इसके मोटे और पीले पत्ते छाट लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश करके इसके पानी को हल्का सा निचोड़ लिया है। अब उसके बाद से हमें चाहिए होगा टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर ले लीजिए, किचन टॉवल पेपर ले लीजिए और उसके बाद से आपको इस तरीके से धनिया को रखना है जिससे आधी धनिया तो पेपर पर हो लेकिन आधी धनिया हल्की सी खुली हुई हो, यानी कि धनिया में अंदर एयर जाना चाहिए। नीचे वाले पार्ट को टिश्यू से रैप करेंगे, ऊपर का इस तरह से ग्रीन पार्ट हमें हल्का सा दिखना चाहिए। अब इसके बाद से कोई एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए, इस एयर टाइट डिब्बे में आप धनिया को इस तरीके से हल्का सा दबा कर रख दीजिए। बड़ा डिब्बा है तो बहुत अच्छी बात है, डिब्बा अगर छोटा है तो ऐसे भी हल्का सा दबाव देकर रखा जा सकता है। इसके बाद से ढक्कन लगाकर इसको रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में इस तरीके से जब हम धनिया को स्टोर करते हैं तो आप देखेंगे कि धनिया काफ़ी टाइम तक फ्रेश होता है। इस तरीके से धनिया, हरा प्याज कुछ भी स्टोर करते हैं तो आराम से हफ्तों दिन तक ये खराब नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो केले को लेकर है। केला चाहे किसी भी मौसम में हम घर पर लेकर आए, आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। केले को स्टोर कैसे करें इसके लिए एक और अच्छा सा उपाय शेयर करती हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने फॉयल पेपर, पॉलीथीन वगैरह का उपाय देखा हुआ है। आज इसको स्टोर हम करेंगे पानी के साथ। पानी से भरा हुआ एक बर्तन लीजिए और केले को इस तरह से अलग अलग तोड़कर आप पानी के अंदर डिप करते जाइए। जो इसके डंठल वाला पार्ट है उसी पार्ट के साइड से हमको केले को पानी में डिप करना है। इस तरीके से सारे केलों को पानी में डिप करके रखिए और जब आपको खाना हो तब आप पानी से एक एक केले को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रखे हुए केले काले नहीं पड़ते हैं और हफ्तों दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।